हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने यस नो टाइप क्वेश्चंस लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने टेंसेस के हिसाब से यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब होगा ता है, ती है, ते है। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो हमें करना क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिखता हूँ, तो डू से शुरू करना है। क्योंकि आई किस, आई जब भी आएगा, यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा, तो तब हम डू लगाएंगे। तो डू आई राइट लेटर, क्या मैं लेटर लिखता हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। तो यहाँ पर एस आया तो हमने क्या लगाया, डज। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। इसके बाद आई यू वी दे के लिए हम क्या लेंगे, डू लेंगे, और जबकि ही शी इट के लिए क्या लेंगे, डज लेंगे। इसके बाद में हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी एम इज आर, और इसका मतलब निकलेगा रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे पहली एग्जांपल, आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। तो एम को आपको स्टार्टिंग में लगाना होगा, तो एम आई डूइंग वर्क, क्या मैं काम कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। तो इज़ शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है, यानी इज़ हेल्पिंग वर्ब था तो हमने इसे स्टार्ट में लगा दिया। इसके बाद वी आर मेकिंग बिरयानी, हम बिरयानी बना रहे हैं। तो आर वी मेकिंग बिरयानी, क्या हम बिरयानी बना रहे हैं। तो आर को हमें स्टार्टिंग में लगाना होगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब गाइज, याद रखने वाली बात है, आई के साथ में एम आएगा, जबकि यू वी दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, और ही शी इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद में हमारे पास में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब निकलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव और हैज। पहली एग्जांपल, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, मैं जा चुका हूँ। तो हैव को आपको स्टार्टिंग में लेना होगा, तो हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ कम, वो आ चुकी है। तो हैज़ को स्टार्टिंग में लेना होगा, तो हैज़ शी कम, क्या वो आ चुकी है। अब आई यू वी दे के साथ हैव लगाएंगे, जबकि ही शी इट के साथ में, और नेम ऑफ द पर्सन के साथ हैज लगाएंगे। अब इसके बाद में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब निकलेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इसके साथ में हैव बीन और हैज बीन आएगा। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूँ। तो हैव आई बीन वर्किंग, क्या मैं काम करता रहा हूँ। हैव को आपको स्टार्टिंग में लगाना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखती रही है। तो हैज़ शी बीन वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देखती रही है। हैज़ को स्टार्टिंग में लगाना होगा क्योंकि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब याद रखने वाली बात है, आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगेगा, जबकि ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगेगा। इसके बाद में गाइज है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या निकलेगा, था, थी, थे। जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो था, थी, थे मतलब निकालना है। जैसे कि आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, तो समझ गया था या समझ गया, तो आपको क्या करना है, डिड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया। तो डिड आई अंडरस्टैंड, क्या मैं समझ गया। शी स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली। तो डिड शी स्पीक इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश बोली। याद रखने वाली बात है, हमें जब भी डिड यूज़ करना है तो तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, वॉज और वर। इसमें मतलब निकालना है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि आई वॉज यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो आपको वॉज शुरुआत में लेना है। वॉज आई यूजिंग मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। क्या से मतलब निकालेंगे, जैसे कि दे वे आर ज्वाइनिंग आर्मी, वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। तो वे आर दे ज्वाइनिंग आर्मी, क्या वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ वे आर है और यहाँ पर वॉज था, तो दोनों को शुरुआत में लेना होगा। अब याद रखने वाली बात है, आई ही शी इट के साथ वॉज लेना है, जबकि यू वी दे के साथ लेना है आपको वर। अब इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हैड, इसका मतलब निकलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे कि आई हैड स्टार्टेड कंपनी, मैं कंपनी स्टार्ट कर चुका था, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो हैड आई स्टार्टेड कंपनी, क्या मैं कंपनी स्टार्ट कर चुका था। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, शी हैड ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुकी थी। तो हैड शी ड्रंक वाटर, क्या वो पानी पी चुकी थी। यहाँ चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। अब इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड बीन, और इसका मतलब निकालेंगे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। आई हैड बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला रहा था या चलाता रहा था। तो आपको हैड हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रखना होगा। हैड आई बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या मैं कंप्यूटर चलाता रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड बीन राइटिंग, वो लिखती रही थी। तो हैड शी बीन राइटिंग, क्या वो लिखती रही थी। अब है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब निकलेगा गा, गी, गे, और फॉर्मूला क्या है, शॉल और विल। अब जैसे पहली एग्जाम्पल, आई शॉल सिट, मैं बैठूंगा। तो शॉल आई सिट, क्या मैं बैठूंगा। शी विल टियर पेपर, वो पेपर फाड़ेंगी, फाड़ने के लिए टियर होता है। तो विल शी टियर पेपर, क्या वो पेपर फाड़ेंगी। यहाँ शॉल हेल्पिंग वर्ब था इसलिए शुरुआत में लगाए, यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब था इसलिए इसको शुरुआत में लगाए। अब याद रखने वाली बात है, आई और वी के साथ क्या लगेगा, शॉल लगेगा। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, शॉल बी और विल बी, इसका मतलब निकलेगा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। जैसे कि यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होंगे। तो विल यू बी कमिंग, क्या तुम आ रहे होंगे। यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब था इसलिए हमने इसे शुरुआत में लगा दिया। इसके बाद में आई शॉल बी डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा होंगे। तो शॉल को स्टार्टिंग में लगा दो, तो शॉल आई बी डूइंग वर्क, क्या मैं काम कर रहा होगा। अब इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शॉल हैव और विल हैव, और इसका मतलब निकालेंगे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। जैसे कि आई शॉल हैव फॉरगॉट, मैं भूल चुका होगा। तो शॉल आई हैव फॉरगॉट, क्या मैं भूल चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, क्योंकि हमने क्या किया, शॉल को स्टार्टिंग में लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी विल हैव ज्वाइंट क्लासेस, वो क्लासेस ज्वाइन कर चुकी होंगी। तो विल शी हैव ज्वाइंट क्लासेस, क्या वो क्लासेस ज्वाइन कर चुकी होंगी। आई और वी के साथ हमें क्या लेना है, शॉल हैव लेना है। अब इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आपको गाइज याद रखना है, जहाँ पर भी कंटिन्यूअस आए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरह से कोई भी कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सब में आपको वर्ब का आईएनजी लेना है। ये टेंस की ट्रिक है याद रखने के लिए। और जब भी परफेक्ट आएगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि पास्ट परफेक्ट, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट, तो आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। अब गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, शॉल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लेना है और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लेना है। शॉल हैव बीन आपको पता है आई और वी के साथ यूज होंगी, आई और वी के साथ शॉल हैव बीन, जबकि ही, शी, इट और नेम ऑफ द पर्सन के साथ आप विल हैव बीन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निकलेगा, ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे। पहली एग्जाम्पल, आई शॉल हैव बीन लिसनिंग अलार्म, मैं अलार्म सुनता रहा होगा। तो शॉल आई हैव बीन लिसनिंग अलार्म, क्या मैं अलार्म सुनता रहा होगा। तो आपको करना क्या है, शॉल को स्टार्टिंग में लगाना है, बस ये शॉल हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा इसलिए स्टार्टिंग में लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन मेकिंग फूड, वो खाना बनाती रही होंगी। तो विल शी हैव बीन मेकिंग फूड, वो क्या वो खाना बनाती रही होंगी। तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था इसलिए आपने स्टार्टिंग में इसे लगा दिया। अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।